कोरोना वायरस अब भारत में पांव पसार रहा है। भारत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है। अब शहर में भी यह संख्या एक से बढ़कर तीन पर गई है। शुक्रवार को और दो कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे द्वारा पत्र परिषद के दौरान यह जानकारी दी गई है। शहर में कोरोना के मरीजों की संख्या शुक्रवार को तीन हुई है। इससे पहले कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को शहर के मेयो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था। इस मरीज के संपर्क में आए लोगों में से दो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, बाकी 14 लोग निगेटिव होने की जानकारी जिलाधिकारी द्वारा दी गई है। आपल्याकडे यापूर्वी कोरोना पॉजिटिव सापडलेले आहे, त्यांच्याबद्दल त्यांच्या फॅमिली आणि त्यांचे जे कॉन्टॅक्ट होते त्या सगळ्यांची आम्ही तपासणी केलेली आहे। त्याच्यापैकी दोघं जण जे आहेत त्यांच्या संपर्कातले ते पॉझिटिव्ह आलेले आहेत आणि आम्ही आता त्यांच्या संपर्कातले कोण कोण आलेले आहेत याबद्दलची शहरनिशाला सुरुवात करतो आहोत। हे मात्र इतरत्र पसरले नाही, ते तिथल्या त्यांच्यासोबत त्यांचा संपर्क आला होता। त्याच्यापैकी जवळपास 14 लोक तर निगेटिव्ह आलेले आहेत आणि फक्त दोन लोकांनाच अशा प्रकारची ही लागण झाल्याचं लक्षात येत आहे। त्यांनासुद्धा आम्ही आयसोलेशन वॉर्डमध्येच ठेवलेलं आहे आणि ही जे दोन लोकं आत्ता ज्यांचं लागण झालेलं आहे त्यांच्या संपर्कात कोण कोण होते याची आम्ही शहनिशा जी आहे त्याला सुरुवात केली आहे। जानलेवा कोरोना व्हायरस से सभी जगह खबरदारी के उपाय किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट पर सावधानी बरती जा रही है। अब जो भी व्यक्ति परदेश से आ रहे हैं उन्हें एयरपोर्ट से अब शहर के एमएलए हॉस्टल में 14 दिनों की डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाने वाला है, ताकि कोरोना पीड़ित यात्री हो तो कोरोना का फैलाव ना हो और उसी के चलते खबरदारी के पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। कोरोना से डरे नहीं, सावधानी बरते, ऐसा संदेश भी जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे द्वारा दिया गया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इन बीसीएन न्यूज़ नागपुर।